नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। मैं हूँ गौरी वर्मा। आइए नजर डालते हैं अगले कुछ पलों में सहारनपुर की हर खास खबर पर। सोमवार को जिले के ननौता क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां बिजली घर पर तैनात एक लाइनमैन की मौत के झपट्टे ने जान ले ली। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बिजली घर के जेई और एक अन्य कर्मचारी पर इरादतन जानबूझकर मारने का आरोप लगाते हुए थाने पर रिपोर्ट दर्ज की है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे शव को ग्रामीणों ने नगर के संजय चौक पर रखकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया। तकरीबन दो घंटे से अधिक तक जाम की इसी स्थिति के बीच सैकड़ों वाहन फंसे रहे और आम लोग भी परेशान हुए। क्षेत्र के विधायक देवेंद्र निम द्वारा मृतक परिवार को मुआवजा दिए जाने और नौकरी के साथ गुजारे भत्ते की व्यवस्था करने के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद ही जाम बमुश्किल खुल सका। इस दौरान सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसे लोग परेशान हुए। सोमवार के दोपहर करीब 1:30 बजे लाइनमैन बबलू का शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही ग्रामीणों के बीच पहुंचा तो उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने सीधे ननौता के दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग स्थित नगर के संजय चौक पर पहुंचकर शव को सड़क के बीच रख दिया। इस बीच कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, जिनमें रामपुर मनिहारान के विधायक देवेंद्र निम, DCDF के चेयरमैन कृष्ण पुंडीर, भाजपा नेता अनुराग राणा, एक्सियन राजीव भट्ट, SDO सुधीर कुमार, SDM रामपुर दीप्ति देव यादव, तहसीलदार देवेंद्र पांडे और CO रामशरण भी मौके पर पहुंचे। मृतक पक्ष को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित पक्ष के लोग देर तक नहीं माने। करीब 2.25 घंटे तक यही गतिरोध बना रहने के बाद आखिरकार विधायक और DCDF चेयरमैन सहित कुछ भाजपा नेताओं की मध्यस्थता के बाद तय हुआ कि मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को 5 लाख रुपए का एक चेक बिजली विभाग की तरफ से दिया जाएगा, जो मौके पर ही प्रदान भी कर दिया गया। इसके अलावा मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चों के भरण पोषण के खर्च के साथ साथ सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद ही जाम खुल सका। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के तहत गांव अनंत मऊ निवासी बबलू पुत्र ज्ञान सिंह, जो 33/11 kV बिजली घर पर संविदा कर्मी लाइनमैन के रूप में कार्य करता था, उसको रविवार की शाम करीब आभा नैनपुर के जंगल में लाइन ठीक करने के लिए बिजली खंभे पर चढ़ाया गया था। मृतक के पिता का स्पष्ट आरोप है कि लाइन मैन के साथ 2 दिन पूर्व बिजली घर के एक जेई और एक अन्य कर्मचारी के साथ कहासुनी का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान उसे धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। इसी को लेकर उन्होंने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ आशंका भी व्यक्त की है। वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित के पिता की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 269, 304A और 506 IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। आइए इसी सनसनीखेज घटनाक्रम पर देखते हैं ननौता से सिटी वेब के लिए अरविंद सिसोदिया की खास रिपोर्ट। तक के परिवार का व्यक्ति हूँ मैं, बबलू के ही। अच्छा। और बबलू रात शटडाउन लेने के बाद अपनी लाइन जोड़ने काम कर रहा था। शटडाउन देने वाले व्यक्ति ने बीच में ही लाइन चालू कर दी। अच्छा। इससे पहले भी उसने इस प्रकार हमारे समाज में दो हत्याएं पहले भी हो चुकी है उसके। जबरदस्ती वो यहाँ रहना ही रखना ही चाहता कि समाज के व्यक्ति। अच्छा। और हमारे प्रशासन से मांगेगी हमें कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा, और हमारी जो ये गुड़िया बैठी है 5 साल की गुड़िया उसकी महिला की, कम से कम सरकारी नौकरी इसी विभाग में दी जाए। तो जेल जाएंगे और अभी हमसे तो अभी 302 में दायर होना चाहिए। 302 में दायर होना चाहिए, 304B में। तो आप सौ जब तक जिला अधिकारी मोदी और SSP साहब खुले मंच पर आश्वासन देंगे तो शायद हम सोचेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी है। पहले हमने जाम लगाने से पहले हमें आश्वासन दिया और भूल गए। अब तक किसी आश्वासन कोई भी बात लिखित में पूरी नहीं हो पाई, तो हम चाहते हैं कि तीसरी बार हमारी डेड बॉडी यहाँ से आई है, इंसाफ लेने के बाद उठेंगे, इससे पहले कतई नहीं उठते। परिजनों ने मांग की 5 लाख रुपए की और संविदा के रूप में नौकरी, बिजली विभाग द्वारा नियमानुसार 5 लाख रुपए का चेक उनकी पत्नी श्रीमती कविता को दे दिया गया और संविदा कर्मी के रूप में नियमानुसार कार्रवाई की। ये मामला ऐसा है कि हमने 5 लाख का जो हमारी सरकार की तरफ से जो लोन दी थी, हमने वो दिलवाने का काम किया, और जो सबसे बड़ी डिमांड जिनकी थी, जो जिसने ये हादसा किया था, उसे हमने भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने के लिए आदेश करवा दिए, और उनके परिवार को एक नौकरी और एक संविदा कर्मी की जो नौकरी है, जो उनके पति जो करते थे, वो दिलवाने का काम किया, और उनकी जो पत्नी है उसको पेंशन का, और 5 लाख का हमने अभी तुरंत इनको एक चेक दिलवाने का काम किया जो उनकी पत्नी के नाम। सिटी वेब इसी तरह लाता रहेगा आपके लिए खास खबरें। बने रहिए अपने प्रिय चैनल के साथ।